रायबरेली में शिवगढ़ थाने की पुलिस ने हाईवे पर ट्रक चालकों से लूटपाट करने वाले सात्र गैंग का भंडाफोड़ किया। लुटेरों के इस गैंग के सरगना समेत दो लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाकी अन्य तीन फरार लुटेरों की तलाश चल रही है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर लूट करने वाले इस गैंग की तलाश पुलिस काफी समय से कर रही थी, लेकिन यह गैंग पुलिस की पकड़ से बचता रहा। आखिरकार शिवगढ़ थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गैंग के सरगना और एक अन्य लुटेरों को गिरफ्तार कर पिछले दिनों एक ट्रक चालक से हुई लूट की गई थी। उसके साथ ही इन सात बदमाशों ने मारपीट भी की थी। मारपीट के दौरान 40,000 रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए थे। तभी से शिवगढ़ पुलिस इन सातिरों की तलाश कर रही है। रायबरेली से संवाददाता हर्षित त्रिवेदी की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रक को पंक्चर करके एक गैंग के सदस्यों द्वारा इनके ड्राइवर किरणों को पकड़ करके इनके पास से करीब 40,000 रुपए की डकैती की गई थी। इस घटना को इल्जाम जो है ट्रक जो मोरन ले जा रही थी उस रात को किया गया था। हमने इस डकैती का मुकदमा जैसा हमें बताया गया वैसा रजिस्टर किया। इस गैंग के बारे में हमारी SOG टीम ने तथा सर्विलांस के माध्यम से SO शिवगढ़ ने बहुत ही मेहनत करके इस घटना को काफ़ी समय लिया, लेकिन उस तथ्य अनावरण किया है। इसके 5 सदस्य चिन्हित हुए हैं, जिनमें 2 को हमने गिरफ्तार कर लिया। गैंग लीडर के रूप में अमर बहादुर सिंह, जो पुराना डकैती का मुलजिम रहा है और पिछले कुछ दिनों से सक्रिय भी रहा है, और आसपास के जनपदों में इसने एकदम इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर के दहशत फैला रखा है, उसको हमने बहुत मेहनत से गिरफ्तार किया है। इसके 3 सदस्य फरार हैं, शीघ्र हमारी टीम लगी है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरीके से हम जो रात्रिकालीन जो ड्राइवरों का आना जाना है ट्रकों का, उसके साथ हो रहे वारदातों को विराम लगाने में सफल होंगे। वो इल्जाम जो है ट्रक जो मोरन ले जा रही थी उस रात को किया गया था। हमने इस डकैती का मुकदमा जैसा हमें बताया गया वैसा रजिस्टर किया। इस गैंग के बारे में हमारी SOG टीम ने तथा सर्विलांस के माध्यम से SO शिवगढ़ ने बहुत ही मेहनत करके इस घटना को काफ़ी समय लिया, लेकिन उस तथ्य अनावरण किया है। इसके 5 सदस्य चिन्हित हुए हैं, जिनमें 2 को हमने गिरफ्तार कर लिया। गैंग लीडर के रूप में अमर बहादुर सिंह, जो पुराना डकैती का मुलजिम रहा है और पिछले कुछ दिनों से सक्रिय भी रहा है और आसपास के जनपदों में इसने एकदम इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर के दहशत फैला रखा है, उसको हमने बहुत मेहनत से गिरफ्तार किया है। इसके 3 सदस्य फरार हैं, शीघ्र हमारी टीम लगी है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरीके से हम जो रात्रिकालीन जो ड्राइवरों का आना जाना है ट्रकों का, उसके साथ हो रहे वारदातों को विराम लगाने में सफल होंगे।